कोनिया ने एक मनी उगली और एक गंगा को उगलता और कहने लगा भैया देख इस मनी को तू अपने साथ रखेगा तो कभी ये मनी आपके पास रहेगी तब तक आप कहीं जल में और कहीं थल में डूब नहीं सकते और हर जगह हर बात में तुम्हारी व्यवस्था और मदद करेंगे। और ये गंगा जहां जसम पर फिरा दोगे वहीं तुम्हारे बार सुनहरे सोने के तो उन्हें कह अच्छा मनी तो कब देखेंगे पहले या गंगा की जांच करनी चाहिए पाक खोल के और उन्हें अपने जाओ सिर में और जब गंगा को डालता है तो बात सुनहरी सोने के है जाते हैं उसी टाइम तो बहुत खुश होता है उन्हें भाई नागमोनिया अपनी दया दक्षिणा चला जाता है और नित को नेमी पर संभालो वही धन को चुवाए कर तो ठिया पर रह तो और पड़ोस में ही गंगा ही तो गंगा को रोजाना नहा तो जब उस समय गंगा नहाने गया तो होता क्या था बाहर टूट जाता है पसमल देख के और बाहर को पकड़ लेता है और ढाके एक दोना बना के और उस दोना में रख के उस बाहर को गंगा जी में सिरा देता है। समय की बात कोई दोना और गंगा में पड़ो पश्चिम दिशा से और पूर्व दिशा को जा रहा है जब दोना गंगा जी में जा रहा है कुछ टाइम के बाद उधर होता क्या है कि शंख विशंखा सिलरिया गंगा स्नान करने जाती सुबह तो वो दोना हकीकत उस गंगा जी में पहुंच जाता है नंगा सिलरिया के पड़ जाता है वो चमकन सुनहरी बार की तो सिलरिया शंख विशंखा से क्या उनकी चमक को देख के और समय होनहार वो दोना सीधा उन्हीं पे लगो तो तीनों ही गंगा में जब घुसी तो सिलरिया के नजदीक आ जाते दोना तो सिलरिया उठा के और उस बार को देखते तो कहला भी वो हो ये बात सुनहरी सोने को किस राजा का है ये बहन पता लगाना चाहिए। आगे संघ विसंघा सिलरिया विचार करती है बहना जाय बानवारे के साथ में हमें तुम्हें शादी करनी है
और इसका पता लगाओ दुनिया देश में कहाँ है। जादू विद्या सीख के तो फरफस्ट है गई, अब कोई कमी नहीं। वो मशवरा करके और ढूंढन को जब चल पड़ी तो विचार करती है कि बहना पहले अपने यहाँ 12 साल है गई, अपने घर पहुंचो और उसके बाद न पता चल कितना टाइम लगेगा इसे ढूंढने में। तो तीनों ही कॉल करार गंगा पर कर लें कि देखो जिसको मिल जाए वो खबर भेज के तीनों ही उसके साथ में शादी करेंगे। किसम शक्ति ढह जाती है और तीनों ही अपने अपने घर चल पड़ी। बन के भमीरी और उड़ के और तीनों ही अपने 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 गांव में शहर में पहुंच जाते। जब सिलरिया घर पहुंची तो 12 साल में लड़की आई तो नेतारी बाप और घर वाले परिवार वाले बहुत प्रसन्न और खुश है कि उसकी लड़की की बहुत बड़ी सेवा और आदर सत्कार करने लगे। लड़की को नवा धुवा के खाना उना खिलाओ सुबह ही, और जब परसमल के बाद सुनहरी है गए तो वो क्या काम करता कि अपने बेड़े से धन जब खोल दो, जब पहले भीतर जाके और अपने स्वापा को पगिया को खोल के और बान को फिर दोबारा से हला चढ़ा के और काट के बांध के तब बाहर निकलता। तो इतने काम करते पे कि भगवान मैं तो दुनिया में ढूंढने को तैयार ही, और हमारे पति महाराज हमारे घर मौजूदा हैं, बहुत प्रसन्न और खुश होती है और वो बेड़े से धन को खोल के घर में चला जाता है। तो मैतारी से कहने लगी, मैतारी अरे ये हकीकत क्या है, ये धीमत डोली कैसी जा रही है। अरे बेटा इस बात को मत पूछे, ये गुआरिया है उसके तक 12 साल है गई और धीमत इतना इतना खाना पहुंचाता है। रोड तो सूर्य में तारी को क्या कहने लगा, बेटा अरे तू बाबरी है रही है, चार पूरी चार कचौरी इनसे का है लाऊगा सुन। अरे चालीस रोटी आज
अरे सुनैया तू बात को ना समझ रही है, झाड़ में मत पड़े फिर तुम जान तो। लड़की की बात 12 साल में आई, मैं तारीख माननी पड़ी। जब उन्हें ठान धरठानी तो चार पूरी चार कचौरी लड़ुआ चार बनाकर छाक बनाकर वह दे देती है, उन्हें नहीं मानती है तो ले जा। तुरंत सिलेरिया लेके छाक और खोजन खोजन बैठिया तो बन जा। जब सिलेरिया आप देखी तो पटवल विचार कर रहा है उन्हें भी हाल तो कर मामला और मालूम पड़ता है। तो जाके सिलेरिया ने आवाज लगा दी, क्या कहने लगी था बरसमल कहने लगा। अरे सुरैया तू कैसी बालकन बाबरी जैसी बातें करती है, मैं ऐसे तेरे हाथ को खाना कैसे खा लूं। कुआरी के हाथ को मैं खाना नहीं खाता। क्यों लागे डार भामरे डार के और खानो खा ले और मुझे यहीं से ले चलो। तो अब पर्सनल कहने लगे उन्हें की बदतमीज ऐसा नहीं होता। क्यों अरे जाको मारो धारो तो मैं आओ हूँ। अपने मन में विचार करने लगे उन्हें की बहन तो यहाँ से ऐसे ही ले जाओ फिर वो हकीकत सामने आ जाएगी कि ना कहूँ राजा ने ब्याह करो। कहने लगा Hey!
बहुत फल कहने लगा वो निगरानी ऐसे इस तरीका से शादी करके तब ले जाऊंगा तब खाना खाऊंगा, ऐसे में खाना नहीं खाऊंगा। तो शेरिया समझा रही है बार बार उनने की देखो झगड़े में जान पड़ जाएगा, मोबाइल पड़ जाएगा, कहा से मुझे यहीं से ले चलो तो उनने काफी टाइम है जा तो बात चीत करते तब तक दो चार हल्का रहा अगल बगल वालों ने जाके प्रपोज हरी सिंह राजा को ऐसे ऐसे तुम्हारी लड़की उस ग्वालिया से संबंध कर रही है। राजा हरी सिंह के भंग जुलम है वो 12 साल में लड़की आज भी आई है और आज ही हकीकत के सामने आएगा, चलो देखता हूँ क्या मामला है। गुस्सा में आकर राजा हरी सिंह पहुँचता है और जाके देखता तो हकीकत वो सामने होने की रे ग्वालिया ये क्या हो रहा है भाई। तो राजा मुकदमल कहला उन्हें कि मैंने तुमसे तबई रही है तुमसे लिखवा रही जो है ना पहनी हम तुम में है तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बात बन जाती है और दोनों ही ढिल जाते हैं। तो राजा परसमल की टक्कर को राजा हरि सिंह ना हो, जब राजा परसमल ने टक्कर लगाई तो राजा हरि सिंह को एकदम ओंधो डाल दो, जब ओंधो डाल दो का तो राजा हरि सिंह पछताने लगा और रोने लगा और अपनी बेटी श्रेलिया से क्या कहने लगा। अरे लड़हतिया होए मलवाए गए हैं होए मलवाए गए मेरे राम कहाँ मिले जाए दुआरे जब उन्होंने विचार न लगा तो सिंडलिया को तरस बार को आ जाता मन में कहने लगे मैंने बार बार समझाए मगर एक बात मेरी नहीं मानी, अब मेरी मजबूरी है कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा और हार की बात जय सिंडलिया ने जादू चलाओ बड़े बड़े जादू आए सो मालूम
हरे भगवान।